नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। आपको पता है गवर्नमेंट ने 3 महीने से फ्लाइट पे बैन लगा रखा है, सबको पता है। और लगभग 29 जून को हम उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी डाले थे कि भाई कुछ समाधान होगा, अच्छा होगा, गवर्नमेंट फ्लाइट स्टार्ट कर देगी। लेकिन आपको क्या लगा? निराशा हाथ लगी। सरकार ने एक्सटेंड करते हुए फ्लाइटों को 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया। जी हाँ साथियों, और आज फिर बैड न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आज हमारे जो DGCA विभाग है, उड्डयन विभाग जिनको आप बोल सकते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए फ्लाइटें एक्सटेंड की जाती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें एक्सटेंड की जाती हैं 31 जुलाई तक। जी हां साथियों, 31 जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइटें इंडिया में बैन रहेंगी, बाधित रहेंगी, स्टॉप रहेगी। जी हां, और इसका रीज़न आप समझ सकते हो भाई, इंडिया में पर डे 20,000 कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। अब 20,000 पर डे बढ़ रहे हैं, 5 दिन में 1 लाख बनते हैं, तो इंडिया में 1 महीने में कितने बनेंगे। इसी महामारी को देखते हुए सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि भाई हम इसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड करते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा मार्गों पे, कुछ चुनिंदा देशों में ये फ्लाइट ओपन की जा सकती हैं। हो सकता है अमेरिका हो जाए, हो सकता है दुबई हो जाए, क्योंकि दुबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। की सिचुएशन ये बता दूँ साथियों, इंडिया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहाँ पे 55 देशों से फ्लाइट लैंड कर रही हैं। जी हाँ साथियों, 55 देशों से इंडिया में फ्लाइट आ रही हैं 20 इंटरनेशनल स्टेटों पे, जिसमें बता दूं 80 शहरों से यानी 80 सिटीज से फ्लाइटें आ रही हैं। जी हाँ साथियों, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है भाई दुबई, दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ्लाइटें आ रही हैं। उसके बाद आपका पता है साथियों, केरला में सबसे ज़्यादा फ्लाइटें आ रही हैं, बाकी तो भाई नॉर्मल सी हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया, सच्चाई यही है। 31 जुलाई तक सरकार ने बैन, बाकी आप टेंशन ना लें भाई, पहले भी कौन सी फ्लाइटें चल रही थी मैंने पहले भी बताया था, पहले भी यूँ चल रहा था। जो वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें हैं वो तो चलनी हैं, वो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जितनी भी फ्लाइटें हैं वो पूरी चलेंगी। 14 जुलाई तक तो बहुत सारी फ्लाइटें हैं, हो सकता है बाद में एक्सटेंड कर दे, हो सकता है फ्लाइटें खोल दे अगर कोरोना डाउन होने लगे तो, कई रीज़न हो सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, दिल को छोटा ना करें। जो वंदे भारत के थ्रू मिशन आ रही फ्लाइटें आ रही हैं वो भी आएंगी, चार्टर फ्लाइटों का जो रूल चल रहा है वो भी चलेगा। और फ्लाइटें तो कौन सी पहले चल रही थी कि जिसको सरकार ने बैन कर दिया, हाँ बस वो एक गाइडलाइन कर दी भाई 30 जुलाई तक, यहाँ पे 31 जुलाई तक इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइटें बैन रहेगी, यानी कोई भी देश की फ्लाइट आ नहीं सकती और इधर से जा नहीं सकती। बस इतना सा ही है, बस छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।